लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ आती है और कॉन्टैक्ट लूज़ कर जाती है, तो उस केस में जब कॉन्टैक्ट लूज़ करती है तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? आपने कॉपी में लिखा भी था, इसके बेस पे क्वेश्चन को करना है, प्लीज ट्राई स्टार्ट करो। क्वेश्चन सेम है और इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स ये यहां से यहां आ गया और लेट अस सपोज यहां पर कॉन्टैक्ट छूट गया, ठीक है, यहां पर कॉन्टैक्ट छूट गया। जब कॉन्टैक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या है, एन, वेट यहां पर क्या है, एम जी, और ये क्या है, एम जी इंटू कॉस थीटा। मैंने कोई क्वेश्चन बनाई थी और मान लो यहां पर वेलोसिटी क्या है, वी, वी गिवन नहीं है आपको, क्या गिवन है आपको, यू गिवन है, ठीक है, यहां पे वेलोसिटी वी है। अब आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल में बॉडी के पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए, सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीपेटल क्या है, टुवर्ड सेंटर, एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आपकी पहली इक्वेशन है। और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर जीरो, क्योंकि अपनी बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ गई यहां पर, और जब बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या सिखाया था लास्ट टाइम, जीरो। तो क्या बना, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन वी तो मुझे क्वेश्चन में पता ही नहीं, तो वी कैसे निकलता है, इस और इस पोजीशन पे क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। तो एक काम करते हैं, क्या सिखाया था, इसे ग्राउंड मान लें, ये भी एक ग्राउंड है, तो ये सिखाया था यहां पर पोटेंशियल क्या बनेगी, एम जी इंटू ये हाइट, ये हाइट कितनी है, आर माइनस एच, और काइनेटिक यहां पर क्या है, जीरो, और पोटेंशियल ग्राउंड पे क्या हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम करो, इन्हें इक्वेट करो, एम जी इंटू आर माइनस एच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टू जी आर माइनस एच, इक्वेशन नंबर टू। ये भी वी स्क्वायर, ये भी वी स्क्वायर, एक काम क्यों नहीं करते, इक्वेशन नंबर वन एंड टू को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके जी आर कॉस थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू टू जी इंटू आर माइनस एच, जी से जी कैंसल, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू आर माइनस एच डिवाइडेड बाई आर, कॉस थीटा आ गया। लेकिन कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल से भी आ जाएगा, हम निकालें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितना है, आर, और ये कितना है, एच, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आर बाई एच, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई आर, एक ये कॉस थीटा, एक ये कॉस थीटा, इन दोनों को इक्वेट करो और चेक करो आंसर आ गया, एच इज इक्वल टू जो भी है, आर इज इक्वल टू एच, और आर का रिलेशन आएगा यहां से, चेक करो प्लीज। कितना आंसर आ रहा है, टू आ रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कह रहे हाइट एच जिससे बॉडी जो है कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगी, एच कितनी की वैल्यू क्या आ रही है, टू मीटर आ रही होगी, टू नहीं, आर पुट करो ना, थ्री, आर को थ्री पुट करो, कितना आ रहा है, टू, चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास टू आंसर आ रहा है, राइट, मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो क्या क्वेश्चन है,
एज शोन इन द फिगर पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए. जितने भी इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, इस टाइप की एनर्जी कंजर्वेशन, तो लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन. तो आपने ए पॉइंट से बॉडी को छोड़ा और बॉडी बी पॉइंट पर गई, स्पीड बी पे कितनी है वो निकालनी है. तो बी पे स्पीड कितनी है, तो एक काम करते हैं, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक ए पॉइंट पर, इसे ग्राउंड मान लेते हैं. चलो छोड़ो, ग्राउंड नीचे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम. तो यहां पर काइनेटिक क्या है, जीरो. पोटेंशियल क्या है, एम जी इंटू 10, ठीक है. और यहां पर पोटेंशियल क्या है, एम जी इंटू 5. और काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो क्या बनेगा, एम जी इंटू 10 इज इक्वल टू एम जी इंटू 5 प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर. एम 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 कैंसल, वी निकालो कितना आंसर आ रहा है, चेक करो वी निकालो कितना आंसर आ रहा है. चेक करो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है. इसका आंसर 10 है, राइट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसका मास आपको गिवन है, मूविंग विद वेलोसिटी गिवन है, ठीक है. एक बॉल है, 4 kg की बॉल है, और वेलोसिटी कितनी है, 10 m/s है, और एक स्प्रिंग को जाके हिट करती है, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, 8 m है. स्प्रिंग दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो स्प्रिंग मान लो कितना कंप्रेस हुआ, एक्स. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx2, इक्वेट करना और चेक करना जरा, मास पता है एक्स कितना आ रहा है, 2 m आ रहा है, चेक करो एक्स, चेक करो 2 m. आंसर क्या है इसका, 2 m नहीं है, नहीं है. वो जानबूझ के गलत करवा देगा. उसने क्या पूछा कि द लेंथ ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज एक्स. उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज कंप्रेशन. ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की कितनी थी, 8. स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, 2. अब स्प्रिंग की लेंथ कितनी है जब वो कंप्रेस हो चुका, 8 में से 2 गया 6. तो ये 6 m इसका आंसर है, 6 mark करना. जल्दबाजी में बंदा 2 ही mark करेगा, चिंता ना करो. 90% क्वेश्चन जिन पहले, तो 90% को आता नहीं होगा, तो 10% है उसमें से, आधी जो जनता है वो 2 करके आ जाएगी और आधी जनता इसको 6 करके आएगी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि क्या रूल है इसका, कोई डाउट इसमें. नेक्स्ट फॉर्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी p²/2m, पी फॉर मोमेंटम, p²/2m लगाओ. तो दो बॉल्स हैं या दो सॉलिड्स हैं, ए और बी, मास है 1 और 2 kg, लीनियर मोमेंटम इक्वल है, पी इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या है. देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ए का क्या बनेगा, p²/2ma, और काइनेटिक एनर्जी बी का क्या बनेगा, p²/2mb. आप इन्हें डिवाइड कर लेने, पी से पी क्या हो गया, कैंसल. मासेज आपको गिवन है, रेशियो निकालने, आंसर क्या आ रहा है, 2:1. समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहां से इसका आंसर है कितना, 2:1. नेक्स्ट
एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर का कॉन्सेप्ट है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर कराया था ना, तो ये फॉर्म देखो वो क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब नेट फोर्स क्या होती है, जीरो, और फोर्स निकलती कैसे है, इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ से अल्फा बाई आर की पावर 10 है और आर की पावर 5 है, तो एक काम करो आप इसमें F का फॉर्मूला यूज़ करो। देखो कैसे आप इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करना है F का, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, और क्योंकि इक्विलिब्रियम गिवन है तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू, यू की वैल्यू है अल्फा, आर की वैल्यू 10, माइनस बीटा, आर की वैल्यू 5, माइनस 3, ये रहा। तो इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, जीरो माइनस का तो कोई फर्क है नहीं, डी बाई डी आर ऑफ अल्फा कॉन्स्टेंट आ गया, आर की वैल्यू माइनस 10, फिर माइनस बीटा कॉन्स्टेंट आ गया, डी बाई डी आर ऑफ आर की वैल्यू माइनस 5, और 3 की डिफ्रेंसिएशन तो वैसे ही जीरो है। करना जरा सॉल्व इसे, इसे सॉल्व करो, जीरो इज इक्वल टू अल्फा, याद है पावर नीचे, आर की वैल्यू एक कम, माइनस बीटा इंटू माइनस 5 इंटू आर की वैल्यू माइनस 6। सॉल्व करो इसे और चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है, आर का मीन्स का आंसर क्या है, ए अपॉन बी की रेशियो क्या है, ए अपॉन बी क्या है, 1/6। चेक करते हैं पीछे देखो आंसर क्या है की में, ए पूछा है तो 1 है, ए बाई बी की रेशियो आ जाएगी, जो भी ए की वैल्यू है वहां से 1 आ जाएगी, चेक कर लो सही है, इतना मैथ तो आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व करके, इसे ज़्यादा ही मैथ्स करते होंगे आप, ठीक है सही है। तो यहाँ से एक बार चेक करो क्या वैल्यू आ रही है, चेक करो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा होगा कितना, ए बाई बी 1/5 है भाई, ए बाई बी की रेशियो 1/5 आ रही है, 1/5 आ रही है क्या, पर आपको ए निकालना है, फर्क ना पड़ा, ए को 1 है, ए तो 1 ही है। नेक्स्ट फिर से मोमेंटम वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें दो पार्टिकल हैं, मासेस गिवन है 4 and 16, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम गिवन है, तो एक काम करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो पी इज इक्वल टू 2m इंटू एनर्जी का अंडर रूट, ठीक। तो ए और बी का मोमेंटम अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास, ए का 4 है एनर्जी ई है, ए का मास कितने है 16 है एनर्जी ई है, और ये मोमेंटम की जो रेशियो है वो कितनी गिवन है एन बाई 2, करो जरा सॉल्व, ई से ई कैंसिल, एन आएगा, चेक करो क्या आ रहा है, में इसका आंसर 1 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट
क्वेश्चन में आपको मास गिवन है और फोर्स गिवन है। बॉक्स इनिशियली रेस्ट पे गिवन है, देखो इनिशियली रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, और आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, एस निकालना है। देखो एस इज इक्वल टू क्या लगाएं, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर मुझे कोई एक्सेलेरेशन पता है आंसर आ जाएगा, और वेक्टर से की तो है, तुम्हें फोर्स वेक्टर पता है, तुम्हें काम क्यों नहीं करते, फोर्स वेक्टर को मास से डिवाइड करके एक्सेलेरेशन वेक्टर निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, ए निकाल के पुट कर लो, चेक करो पांच आंसर आएगा। फोर्स को मास से डिवाइड करके देखो तो सही, फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलेरेशन वेक्टर आएगा, फिर एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ एटी स्क्वायर से वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, जब बॉल इस रास्ते पे जाती है एनर्जी कंजर्वेशन, लगाओ दो पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन, आंसर आएगा कितना 10 है, 10। तो एक पार्टिकल है जो स्लाइड कर रहा है, सी पॉइंट पे उसका रास्ता खत्म हो गया, फिर वो हवा में उछला प्रोजेक्टाइल की तरह और वो पी पॉइंट पर आ गया, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पी पॉइंट पर क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, और पी पॉइंट की हाइट आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1 मीटर, 1 मीटर गिवन है। तो एक काम करो, सम ऑफ पोटेंशियल एंड कारण, पहली बात तो जैसे मर्जी पहुंचा पी पॉइंट पे लेना देना नहीं है, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पोटेंशियल एंड काइनेटिक कर दो, इक्वेट करके आंसर आएगा। तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, एम जी इंटू टू, और काइनेटिक की वैल्यू कितनी है यहां पर, जीरो। यहां पर पोटेंशियल कितनी है, एम जी इंटू वन, और काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? आप हाँ ठीक है, आपको यही निकालना है, सॉल्व मत करना, एम जी टू माइनस एम जी वन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहे हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आपको वेलोसिटी तो निकालनी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सॉल्व ना करना, यही काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को इक्वेट करके फाइंड हाफ एम वी स्क्वायर। मेथड समझ में आ रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप फॉर्मूला रजिस्टर चेक कर लो, मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला लिखवाया था, जिन क्वेश्चन में पावर कांस्टेंट है उनमें ना, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई गिवन तो है नहीं, जिनके अंदर पावर कांस्टेंट है उनमें वेलोसिटी कैसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, वो वैल्यू हमेशा टी की पावर क्या होती है, 3/2, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला रजिस्टर में, नोट करो, ये वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है पेपर में, 4 बार हर साल, देखना अभी लाइन लगी पड़ी है। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 3/2, राइट? हालांकि मैंने आपको कैलकुलस से सिखाया था, इसे बिना कैलकुलस से कर दिया सोल्यूशन, ठीक है इसका,
इसने कैसे किया, इसने का पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो वी इज इक्वल टू जीरो प्लस एटी, तो आप यहाँ पे वी की जगह जीरो प्लस एटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए आ गया। आपको एस निकालना है, जीरो प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ए पुट कर दें और आपके आंसर आ गया। अच्छा है, ये भी सही है, लेकिन मेरा मेथड इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट हो या ना हो तो भी मेरा मेथड तो कैलकुलेटर से सही काम करता है। ये भी सही है, गलत नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब इसको करना क्या है। मैंने आपको उस टाइम भी यही कहा था कि यार फॉर्मूला याद कर लो, बात ही खत्म है। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 3/2। क्वेश्चन, तो बॉडी जिसका मास आपको 2 kg गिवन है, फोर्स वेक्टर पता है टी की फॉर्म में चल रहा है, पावर डेवलप बाय द फोर्स एट टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट। देखो पावर जो होती है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी है, और वेक्टर फॉर्म में दोनों वेक्टर हैं पर ये स्केलर है, तो क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो अब ये काम करना पड़ेगा, एफ वेक्टर तो आपको पता है, अगर आप वी वेक्टर निकाल दो तो डॉट प्रोडक्ट से क्या जाएगी, पावर। क्लियर है यहाँ तक? अब वी वेक्टर कैसे निकलता है, v वेक्टर के लिए f वेक्टर पता है तो यहाँ से a वेक्टर आ गया। a वेक्टर क्या होता है, फोर्स वेक्टर अपॉन मास, मास 2 है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू 6ti i कैप प्लस 6t² j कैप डिवाइडेड बाय 2। a वेक्टर आ गया, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है। अब एक काम करो, एक्सेलरेशन को लिखो dv/dt इज इक्वल टू कितना, 60 को 2 से डिवाइड ही कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे अगर 60 को तो देखो मेरे पास आंसर आएगा 3ti i कैप प्लस 3t² j कैप। तो dv वेक्टर विल बी इक्वल टू 3ti i कैप प्लस 3t² j कैप के पीछे क्या आ गया, dt क्रॉस मल्टीप्लाई, आई कैप जे कैप लगे रहने दो, क्या कहते हैं, लगे रहने दो, कोई बात नहीं, सही है। और लास्ट स्टेप है इनकी इंटीग्रेशन, 1 dv की इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, t dt की इंटीग्रेशन आई कैप प्लस 3 बाहर आ गया, t² dt की इंटीग्रेशन जे कैप। ठीक, अब एक काम करो, इसकी इंटीग्रेशन करो t² / 2, इसकी करो t³/3, आई कैप जे कैप लेने दो, क्या आ गया, वी वेक्टर आ गया। इस वी वेक्टर को निकालो और यहां पे पुट करो, एफ वेक्टर को ये पुट करो, वी वेक्टर इंटीग्रेट करके ये पुट करो, डॉट प्रोडक्ट लो और आंसर मार्क करो क्या आ रहा है, करो सॉल्व। डीवी वेक्टर के इंटीग्रेशन वी वेक्टर है, सॉल्व करो इसे। तो पहले वी वेक्टर निकाल लो, तो v वेक्टर आ रहा है यहाँ से, v वेक्टर क्या आएगा, 3 t² / 2, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 t³/3 निकाल लोगे। इस v वेक्टर को जरा पुट करो, डॉट प्रोडक्ट लो क्या आ रहा है, f वेक्टर डॉट v वेक्टर, d ऑप्शन आ रहा है चेक करो, d ऑप्शन आ रहा है चेक करो एक बार प्लीज।
कितनों का आ गया डी, चेक करो वी वेक्टर ये आ रहा है, चेक करो वी वेक्टर आ रहा है, यार इंटीग्रेशन की करनी थी, एक एफ वेक्टर आ रहा है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, चेक करो आंसर आ रहा है ये। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर नहीं डी है। देखो याद रखना है एक चीज़, भूलना नहीं, जिन क्वेश्चन में ऐसे गिवन होते हैं मास अपॉन टाइम, ये पता है क्या गिवन है, ये मास नहीं है, ये मास अपॉन टाइम गिवन है। मास बाय टाइम कितना है, 0.5 kg पर सेकेंड, ये गिवन है, ठीक है, और वेलोसिटी पता है, तो फोर्स बहुत ईजीली निकल सकती है, क्योंकि देखो निकालना क्या है, पावर निकालना है और आपको वेलोसिटी पता है, एक बात तो पक्की है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। मेरे को इस क्वेश्चन में वेलोसिटी तो बेल्ट की पता है कितनी, 5, मुझे क्या निकालनी है, फोर्स। याद करो मैंने फोर्स चैप्टर में बताया था, अगर पानी निकलता है पाइप में से, या अगर सपोज करो एयर निकलती है बैलून में से, तो आप क्या लगाते हो, डी बाई डी टी ऑफ पी, पी का मतलब डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। एक और एग्जाम्पल नोट कर लेना, अगर सैंड गिरती है बेल्ट के ऊपर, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, कैसे, वेलोसिटी इंटू डीएम बाय डीटी। आपको वेलोसिटी पता है 5, और आपको डीएम बाय डीटी भी पता है कितना, 0.5, पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो, डी ऑप्शन आएगा। मेथड्स देखो, जिन क्वेश्चन में मास अपॉन टाइम गिवन है उनमें तो ये कॉन्सेप्ट लगता ही लगता है, बात ही खत्म हो गई, मास अपॉन टाइम के कॉन्सेप्ट में ये लगना ही लगना है, कोई डाउट इसमें। एम वी बाय टाइम भी कर सकते हो, ऊपर समझाएं कैसे, हर में लगा देंगे बच्चे, तो मेरे को कुछ तो बताना ही पड़ेगा एक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें। ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 134,
क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कल सच दैट सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है के स्क्वेयर आर टी स्क्वेयर। ये सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन है जो कि वी स्क्वेयर बाई आर है, तो के स्क्वेयर आर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। ये लो, ये वैल्यू आ गई, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, वी निकाल दिया, क्या निकालना है आपको, पावर निकालना है। सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बताओ ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे पता लगा नॉन यूनिफॉर्म है, कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम क्योंकि बढ़ता जाएगा वी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में जो एक्सलरेशन होती हैं वो दो होती हैं, एक टेंजेंशियल होती है और एक सेंट्रिपिटल होती है। फोर्सेस भी दो होती हैं, एक सेंट्रिपिटल होती है और एक टेंजेंशियल होती है ना, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही है, वी तो टेंजेंशियल है, याद रखना पेपर में आ जाता है। सेंट्रिपिटल फोर्स कितना वर्क डन करती है, आंसर इज जीरो। पहला लेक्चर था वर्क पार का, सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क डन जीरो करती है क्योंकि फोर्स टुवर्ड सेंटर है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, एंगल 90 है। पावर की वैल्यू भी जीरो होती है, क्यों, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना बन गया 90, तो पावर होती क्या है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब क्योंकि दोनों में एंगल 90 है तो 90 का मतलब है दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की पावर क्या होगी, हमेशा जीरो। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पावर होगी, क्या होगी, टेंजेंशियल फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करें, वेलोसिटी से, तो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी है, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है डीवी बाई डीटी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी हमारे पास है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह पुट कर देना वी की जगह कितना, के आर टी, मल्टीप्लाई करो तो क्या वैल्यू आएगी यहां पर, के आर। इस वैल्यू को यहां पुट करो और वी की वैल्यू उठा के यहां से यहां पुट करो, चेक करो क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, सी आर है। पॉइंट समझ में आ रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम में टिपिकल प्रॉब्लम है वी निकलेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए डीवी बाय डीटी लगाना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ इसका आंसर जो है वो सी आर है। नेक्स्ट है, वॉटरफॉल्स फ्रॉम 40 मीटर हाई डैम एट अ रेट ऑफ 9×10⁴ के जी पर आर। तो ये पता है क्या गिवन है, ये आपको मास नहीं गिवन, ये आपको मास अपॉन टाइम गिवन है। तो
तो कितना गिवन है, 9 इंटू 10 की पावर 4 बाय आर का मतलब 3600 सेकेंड, तो बेसिकली ये केजी पर सेकेंड, ये वैल्यू गिवन है। 50% ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनेगी, पानी नीचे गिरा तो कितना वर्क डन हुआ, एमजीएच, तो एमजीएच वर्क डन हुआ, और मान लो टी टाइम में गिरा तो क्या आ गई पावर, तो पावर जनरेट क्या होगी, एमजीएच बाय टाइम, तो एमजीएच बाय टाइम क्या आ गई, पावर आ गई। पर वो कह रहे हैं कि ये पावर 50% खराब हो गई, इसका 50% करो तो ये पावर जनरेट हुई इस पानी के नीचे गिरने की वजह से। इस क्वेश्चन में मास अपॉन टाइम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 9 इंटू 10 की पावर 4, जी पता है, और हाइट कितनी है 40 मीटर, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू पता है, इंटू 50 बाय 100 टोटल पावर जनरेट हो गई। इतनी पावर से बल्ब जगेंगे, और एक बल्ब कितनी पावर लेता है, 100 वॉट, तो कितने बल्ब जगे, तो नंबर ऑफ बल्ब्स अगर आपको निकालना है तो जो भी ये टोटल पावर आई उसको 100 से क्या कर देना है, डिवाइड, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, जो भी ये वैल्यू आएगी इस पावर को 100 से क्या कर देना है, डिवाइड, आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, एक बल्ब 100 वॉट ले रहा है, नंबर ऑफ बल्ब निकालने हैं ना, कितने बल्ब जगेंगे, मैं टोटल पावर निकाल दी, फिर एक बल्ब 100 वॉट ले गया तो कितने बल्ब जगे, 100 से डिवाइड, ठीक है, बी ऑप्शन 50, ओके डन। नेक्स्ट, पावर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, देखो दो बार तीन बार आ रखा है, हर साल आ जाता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मेरा फॉर्मूला फेल हो गया, मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। ठीक, ट्राई करो, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी से शुरू करो, पी इज इक्वल टू एफ इनटू वी,
ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को करने का देखो किसी का हुआ पहले बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने का स्टाइल क्या है, कांस्टेंट पावर है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, राइट। तो मैं हिंट देता हूँ, आप शुरू करना। स्टार्ट कहाँ से करना है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पावर इज इक्वल टू मास इंटू डी वी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एक्स निकालना है, तो एक काम करते हैं, मास इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी, तो एक्स आ जाएगा। तो ये टर्म क्या है, वेलोसिटी। तो एम इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, डी वी एक तरफ और डी वी बाई वी स्क्वायर रादर एक तरफ, वी की फैमिली एक तरफ करनी पड़ेगी, और रादर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बाई नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। इसमें इसके अंदर वी स्क्वायर डी वी एक तरफ और पी बाई एम डी एक्स एक क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पी अपॉन एम तो कांस्टेंट है, वन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन वी क्यू बाई थ्री पी बाई एम इंटू एक्स। वी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, थ्री पी बाई एम इंटू एक्स, वी की वैल्यू थ्री पी बाई एम वन बाई थ्री एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री। पहुँच गए यहाँ तक। फिर अगला स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स निकालना है, वी को लिखें डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू थ्री पी बाय मास रेज टू पावर वन बाई थ्री एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री। आपको एक्स निकालना है, तो एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वन बाय एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री एक तरफ, देखो एक्स की फैमिली एक तरफ चलेगी, थ्री पी बाय मास वन बाई थ्री डी टी एक तरफ। अब दोनों तरफ की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये लो इंटीग्रेट करो, टू बाई थ्री टू बाई थ्री, ये लो। तो एक्स रेज टू पावर टू बाई थ्री की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री, थ्री पी बाई मास वन बाई थ्री इंटू टी। चेक करो स्टेप्स क्लियर, इंटीग्रेशन के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन की है, मेरे बुकलेट के अंदर भी सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है मैंने, वैसे मैं यहाँ तक किया है सिर्फ, इसने एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछा है ताकि लोग आंसर याद करके ना जाए। ये क्लियर है, एक्स वाली फैमिली एक तरफ ना, एक्स वाली, बाकी इधर डी टी वाली इधर, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो जहाँ मर्जी रख लो, सही है, कोई डाउट इसमें। तो इसके अंदर एक्स, ठीक है, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री, थ्री बाई टू हो जाएगा ये, इंटू थ्री पी बाई मास वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू हो जाएगा, ये भी टू बाई थ्री इधर आएगा, और टी रेस टू पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। अब तुम कुछ दिमाग लगाओ और किसी तरीके से इस टू बाई थ्री को सॉल्व करके इसके अंदर ले जाओ, ऊपर आठ आएगा नीचे नौ आएगा, लगाओ मैथ्स, इसको सॉल्व करो, ये क्यूब है ना और ये अंडर रूट है, तो किसी तरीके से इसको इसके अंदर लेके जाओ, तो देखो आठ और नौ आएगा, चेक करो। ठीक है ना, चेक करो, ये अंडर रूट हो गया ना, ये अंडर रूट हो गया, और यहां से ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री का अंडर रूट,
तो अंडर रूट वाली टर्म इसके अंदर घुस जाएगी, क्योंकि ये भी हाफ है, ये भी पावर हाफ बचेगी। अब चेक करो क्या आएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख लो ना इसे, 2 into 2 into 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा चलो छोड़ो, मैं कहता हूँ यार 8/9 की फॉर्म में आंसर तो वैसे भी बनी गया, करके आ रहा हूँ सॉल्व में, ऑप्शन तो देख लो, सॉल्व करने की जरूरत क्या है, चेक कर दो, 8/9 की फॉर्म में आंसर है, चेक करो, 8/9 into 3p पर समथिंग है, चेक कर लें, दो में एक में चेक कर लेते हैं, तो 8/9 p/m, p/m आ रहा है कि m/p आ रहा है, p/m चेक कर लेते हैं, 8/9 p/m की फॉर्म में आंसर, 9/8 तो है नहीं, 9/8 तो है नहीं, 8/9 में ये हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन आना चाहिए यार, ये ऑप्शन है, t की बाबत 3/2 आएगी ना, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पता लगा कि ये आंसर है, सही है यहाँ तक, कैसे करना है समझ में आ रहा है, ठीक। ओ सी टी रेज पावर मतलब कितनी बार आएगा, 3/2 सही है, बस आपकी बारी में आ जाए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, तो पार्टिकल इज मूविंग यूनिट डायरेक्शनली और हॉरिजॉन्टल, फिर पावर कांस्टेंट है, फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है, तो एस प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 3/2, स्ट्रेट लाइन तो मतलब ही नहीं है, तो ये तो बी ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, बी ऑप्शन है, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो एस भी बढ़ेगा, वो देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बी ऑप्शन है, सही है, काफ़ी बार आ लिया ये क्वेश्चन, ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक, बुकलेट अगर आप ध्यान से कर जाओ ना, मार पड़ नहीं सकती, रिटेन होनी चाहिए बस, घूम फिर के क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, जाएगा कहाँ। नेक्स्ट, हॉर्स पावर मतलब 346 वॉट्स, ये एलिवेटर वाले क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट में के अंदर ना मोटर लगी हुई है 60 HP की, तो एक लिफ्ट के इसमें मोटर लगी हुई है और इस पूरी लिफ्ट को ऊपर खींच रही है, और ये पावर आपको गिवन है 40 हॉर्स पावर 746 से मल्टीप्लाई करके, अब क्या निकालेंगे इसमें वॉट्स, ये लो, ठीक है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 2000 g, इफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज गिवन, फ्रिक्शनल क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो टोटल ऊपर की फोर्स क्या लगेगी, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड, राइट, इतनी फोर्स लगाएगी लिफ्ट ऊपर की तरफ, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको निकालनी है, फोर्स आपने निकाल ली, पावर आपको पता है, पुट कर ले वेलोसिटी निकाल लें आंसर, तो मतलब लिफ्ट के अंदर जो फोर्स निकालनी है कैसे निकालनी है समझ में आ रहा है, लिफ्ट की फोर्स कैसे निकलेगी इसमें, डी इसका, हाँ डी डी आ रहा है, तो सॉल्व करके इसका आंसर डी आएगा, राइट, तो मेथड समझ में आ रहा है ना कि करना क्या है इसमें, फिर एलिवेटर लिफ्ट वाली प्रॉब्लम आ गई फिर से, बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, देखो इस बार एलिवेटर जो लिफ्ट है वो 10 लोग कैरी कर सकती है और एक बंदे का 68 kg मास है, तो टोटल कितना हो गया, 10 into 68 into g, मास ऑफ एलिवेटर खुद का 920 into g है इसका वेट, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 6000 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसके अंदर पावर क्या निकालना है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स पता है और वेलोसिटी कितनी चाहते हो इसमें, 3, क्वेश्चन में गिवन है 3, मल्टीप्लाई कर दो आंसर, सारी फोर्सेस को ऐड कर देना,
आ रहा है आंसर? मेथड समझ में आ रहा है? एलिवेटर वाली प्रॉब्लम में क्या करनी है, तीनों फोर्सेस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है आंसर। ठीक है यहां तक? बी है इसका, इसका इसका तो बी है, राइट, बी है। नेक्स्ट का कोलिजन्स की प्रॉब्लम अच्छी है, नेक्स्ट लेक्चर अच्छा होने वाला बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, लगेगा दिमाग, हल्के में नहीं है कोलिजन, मतलब सीबीएसई लेवल क्वेश्चन नहीं आया होगा कोई भी, कि तुम सोचो वी वन वी टू के दो फॉर्मूले अपने याद किए चल पड़े पेपर में और नंबर आ जाएंगे, एक नंबर भी नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल नहीं आया वी वन वी टू के फॉर्मूले पे, एक भी, सिर्फ कॉन्सेप्ट, जिसको तो कॉन्सेप्ट पता है सारे न्यूमेरिकल ठीक, कॉन्सेप्ट में सब गलत, मतलब ऐसा है। तो अगली लेक्चर में सिर्फ कोलिजन्स है, मतलब बढ़िया लेक्चर है अगली बार। अ कार ऑफ वेट डब्ल्यू इज ऑन इंक्लाइंड प्लेन दैट राइजेज 100 मीटर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर एंड फ्रिक्शनल फोर्स डब्ल्यू बाई 20 है और कार को कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाना है 10। कार नीड्स पावर पी। अब वो कह रहे हैं केस नंबर टू, कार की पावर पी बाई टू चाहिए जब वो डाउन हिल मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी। आपको वी बताना है, देखो मैं आपको केस समझाता हूँ है क्या। केस ये है, केस दो केस हैं इसमें बना रखे, पहले इस बात को समझ लो। दो केस हैं इसमें, पहला केस है ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, दूसरा केस है ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, केस नंबर वन में ये जो कार है ये ऊपर जा रही है और वेट कहाँ लग रहा है, नीचे, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे लग रही है जिसकी वैल्यू डब्ल्यू बाई 20 है, बात खत्म। क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर की हाइट है और ये 1 किलोमीटर ऊपर राइज होता है ऐसे, तो यहाँ से साइन थीटा की रेशियो आ जाएगी कितनी, 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा 1/10। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे
तो कितनी फोर्स लगी इसको ऊपर लेके जाने के लिए ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट, पहले केस में वेलोसिटी कितनी गिवन है चेक करना, टेन मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन तो है नहीं, और अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो फोर्स की वैल्यू यहां पर क्या लगेगी, एम जी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 20। अब एम जी का मतलब तो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू इंटू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू बाय 20। डब्ल्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/10 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 20। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 10 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 20। ये लो, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें, इतनी फोर्स लगेगी ताकि गाड़ी ऊपर चले। और पावर क्या लगेगी, पी, तो पावर लिख लो फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इस क्वेश्चन में गिवन है 10, तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 10 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 20 इंटू वेलोसिटी 10, इक्वेशन नंबर 1। क्या स्टेप क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सही है। अब पॉइंट नंबर 2, अब वो कह रहा है इस गाड़ी को मुझे नीचे उतारना है, अगर मुझे नीचे उतारना है तो नीचे की फोर्स कितनी है, एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बाई 10। जब ये नीचे उतरेगी विद वेलोसिटी ऑफ वी जो आपको निकालनी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ऐड करेगी, डब्ल्यू बाई 20 पीछे ऐड करेगी, तो कैपिटल एफ कहाँ ऐड करेगी, नीचे के ऊपर, ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। कैपिटल एफ कहाँ काम करेगी, फोर्स नीचे। अच्छा ये बताओ ये फोर्स बड़ी है कि ये फोर्स बड़ी है, डब्ल्यू बाई 10 बड़ा है तो ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ भी ना करूं, न्यूट्रल करके गाड़ी को छोड़ दूं पहाड़ से तो एक्सेलरेट करती हुई नीचे आएगी, यानी कि नहीं, मैं फोर्स नीचे नहीं लगा सकता और एक्सेलरेशन हो जाएगी, मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, मेरे को ब्रेक लगानी पड़ेगी ताकि ये थोड़ी स्लो डाउन हो जाए और वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट ऊपर लगानी पड़ेगी। तो इस केस में डब्ल्यू बाई 10 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई कितना, डब्ल्यू बाई 20। एफ की वैल्यू आएगी W by 10 माइनस W by 20, क्लियर है। और पावर वो कह रहे हैं सेकेंड केस में P by 2 है, गिवन है क्वेश्चन में, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो P by 2, F की वैल्यू कितनी है, W by 10, तो पावर ये लो, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 इक्वेशन को इक्वेट कर लें, सॉल्व करके भी निकाल दें आंसर, पूरा फोर्स का कॉन्सेप्ट चेक करवा दिया पावर के चक्कर में, है कि नहीं, क्वेश्चन अंदर का फोर्स का निकला, पावर तो फॉर्मेलिटी थी बस करने की, फोर्स इनटू वेलोसिटी, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऐसा खेल फ्रिक्शन में बहुत खेलते थे हम, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो मैंने कहा था वो चैप्टर फाउंडेशन है, याद है, हर दो दो स्टेप में यूज हो रहे हैं ना कुछ ना कुछ, कभी फ्रिक्शन का, कभी वेक्टर का, कभी कुछ, कभी डॉट, कभी कुछ लगता ही, कभी इंटीग्रेशन, कभी काइनेमेटिक्स, सब इकट्ठा कर दिया वर्क बार में, इसलिए ये ट्रिकी है, सब कुछ समेट दिया इसने।
क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन बनाया वैसे इसने, फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा चेक किया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीट है, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल वाला आज करवाया था कि सेंट्रिपिटल की पावर जीरो है। देखो क्या किया उसने, पिछले 16 के पेपर को चेंज करके के चेंज कर दिया, एन कर दिया बस, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, जो भी है देख लेना, बी आंसर है, सब कुछ सेम कर दिया। नेक्स्ट तो क्या क्वेश्चन है, हाँ फोर्स इंटू वेलोसिटी, हाँ हाँ इंस्टेंटेनियस होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो पहली बात फोर्स इंटू वेलोसिटी में हाफ नहीं आता, ए और बी करके क्या करोगे, तो कुछ करना ही नहीं है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी क्या है, जीरो प्लस एटी, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो वी इक्वल टू जीरो प्लस एटी, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई, और एक्सेलरेशन क्या है, वी बाई टी, वी यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू बी बाई टी, आंसर हाफ तो आना ही नहीं है, ए और बी ऑप्शन तो वैसे उड़ गया। ये स्टेप क्लियर है, और मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन ना भी आता हो फिर कैसे ठीक करना है, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बेस्ट है, बेस्ट ये है, हाफ की ऑप्शन हो नहीं सकती, फोर्स इनटू वेलोसिटी में हाफ हो नहीं सकता, आगे सुनो, इनके अंदर ये हो नहीं सकता, टाइम टाइम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कैंसल, एनर्जी का यूनिट रह गए, उसने पावर पूछी है, ये पावर नहीं है, यूनिट ऑफ डायमेंशन से रूल आउट हो गया, सिर्फ ये बचेगा, देखो टाइम से टाइम कैंसल, एनर्जी बाय टाइम पावर, करना क्या है, सी ऑप्शन है, डन हो गया। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं होते ऐसे होते हैं, इनमें पक्का यूनिट ऑफ डायमेंशन जरूर चला के देखना है, आपके आधे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ये वही है लिफ्ट वाला केस है, सेम ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लेके जा रहे हैं, एंगल 30 डिग्री है, विद एन इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ऑफ 1 एक्सेलरेट करवाते लेके जा रहे हैं, पावर डिलीवर्ड क्या है, कब, जब टाइम क्या है, 10 सेकंड है। तो पहली चीज, जब एक बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, है ना, ऊपर लेके जाते हैं, तो ये इक्वेशन देखना, ऊपर की फोर्स है एफ, नीचे कौन लेके जाएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज एम ए, यहां से सॉल्व करके एफ निकाल लो, फोर्स आ गई, 10 सेकंड के बाद पावर निकालनी है, तो तुम पहले वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड में, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी आ गई 10 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस, दोनों को मल्टीप्लाई करो फोर्स और वेलोसिटी को, पावर। तो अगर 9 सेकंड पे पूछता पावर डिफरेंट थी, क्योंकि ये फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है, अगर वी चेंज होता जाएगा तो पावर भी हर इंस्टेंट पर चेंज होती जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ पावर्स आपको गिवन है,
आर केपेबल ऑफ रेजिंग 300 केजी ऑफ वाटर इन 5 मिनट्स. 5 मिनट में पानी को ऊपर चढ़ा दिया और 50 केजी ऑफ वाटर इन 2 मिनट्स फ्रॉम द वेल 100 मीटर डीप. वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? देखो पहली पावर क्या है, वर्क डन कितना है, एम जी और एच कितना है, इतना है, ठीक है ना. तो और टाइम कितना है, 5 मिनट है. दूसरी पावर कितनी है, 50 इंटू जी इंटू हाइट तो 100 है, 2 मिनट है. तो ये आपके भाई क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 है. तो यहां से डिवाइड कर लो और डिवाइड करके इसके साथ इक्वेट करके एक्स निकाल लो, आंसर आ जाएगा. क्योंकि पावर की रेशियो आपको एक्स की फॉर्म में गिवन है. तो इन्हें डिवाइड करो, P1 बाई P2 डिवाइड करके कंपेयर करो, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी आंसर. ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 16. सही, 16 आंसर आ रहा है. कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करके आपका ये आंसर आएगा. मतलब ये आएगा 12/5. तो 12 को 3 × 4 लिख लिया, 5 को 4 पे. क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि कंपैरिजन ऐसा है. तो देखो ना, 4 + 1, तो साफ पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलेंगी. इसमें 16 आएगा, ठीक. नहीं तो सीधा इक्वेट कर दो, इस पूरी वैल्यू को 12/5 से इक्वेट करके स्क्वेयरिंग करके एक्स निकाल लो तो भी सही है. जैसे मर्जी कर लो, आंसर यही आएगा. ये क्वेश्चन रिपीट है, फोर्स वाला. फिर एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर वेलोसिटी निकाल लो, एफ और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लो. किया था ना आज, इंटीग्रेट करके ए से पहले वी निकालना होता है. पर हमने अपना आंसर टाइम की फॉर्म में निकाला था आज. इसने एंड में टाइम गिवन है, तो जो भी डॉट प्रोडक्ट लोगे उसमें एंड में टाइम को 2 सेकेंड पुट करना पड़ेगा. मतलब पहले एफ फैक्टर डॉट एफ फैक्टर तो करना ही पड़ेगा. सेम रिपीट क्वेश्चन है, जो आंसर आएगा उसमें टाइम को 2 पुट कर देना. नेक्स्ट, हाँ ये सेम क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने के 2 स्टाइल है. अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद है 8P/9 वाला आज किया, उसको तो इसके साथ इक्वेट, उससे पावर, उससे आपको एक्स तो पता लग ही जाता है और वह एक्स इसके इक्वल कर देना आंसर आ जाए. पर मेरे को तो याद नहीं, तो फिर दोबारा करो. तो फिर करना क्या है, फिर यहाँ से फिर से शुरू हो जाओ, फिर इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो. तो यानी कि इसके अंदर, हाँ एक अच्छी बात है, इसने एक अच्छी चीज़ सिखाई. हमने याद है इंटीग्रेशन से किया था अपना काम, इसे छोटा कर दिया. वो कहते हैं अगर एक बॉडी 0 से स्टार्ट होती है, u = 0 से, और v वेलोसिटी एक्वायर करती है, तो वर्क डन कितना हुआ बॉडी पे, ½mv² - 0, ये ना. और वही वर्क डन है, वर्क डन क्या है, पावर इनटू टाइम. एक स्टेप में वेलोसिटी आ गई, जबकि मैंने इंटीग्रेशन से वेलोसिटी निकाल ली थी, इसने एक स्टेप में वैसे निकाल दी. ये भी अच्छा तरीका है. चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी = अमाउंट ऑफ वर्क डन. आपका आपका पहला स्टेप इंटीग्रेशन का ठीक हो जाता है इससे. तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, फिर अगला स्टेप तो आपको करना पड़ेगा वेलोसिटी को dx/dt, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा और टाइम की लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से 4, क्योंकि क्वेश्चन में 4 सेकेंड आपको क्वेश्चन में गिवन है. चेक करो टाइम की लिमिट कितने गिवन है, 0 से 4. तो ये आपने ट्राई करके देखना है, ठीक है. सेम क्वेश्चन है, पहला स्टेप ये रहा, पहले स्टेप से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को dx/dt और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन. नेक्स्ट,
तो एक बॉडी है और इसका मास गिवन है और बाय इंजेंट कॉन्स्टेंट पावर ऑफ, देखो आपको पावर तो उसने दे ही दी, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन द स्ट्रेट लाइन आफ्टर 9 सेकेंड, बॉडी हैज मूव द डिस्टेंस ऑफ, आपको एस निकालना है। बस आप मुझे ये बताओ, पावर गिवन है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, 9 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वी हो गई, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ये बेस्ट है। तो इसमें कुछ ना करो, बॉडी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो फाइनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कर लो। क्लियर है यहाँ तक? पावर आपको गिवन है 1 जूल पर सेकेंड, 1 है, मास आपको गिवन है 2, 2 से 2 कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू टी आ गई और वी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ टी आ गई। अब ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का बन गया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है 9 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी को लिख लें डी एक्स बाई डी टी इज अंडर रूट ऑफ टी, डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी इंटू डी टी ऐसे, और इंटीग्रेट कर दें 0 से x के लिए, और यहां पर क्या करना है 0 से 9 के लिए, आंसर निकालना एक्स आ जाएगा। पर ये बड़ा सही चीज, ये बड़ी सही चीज लगी मेरे को, वर्कनर्जी थ्योरम यूज करके 1 सेकंड में वेलोसिटी निकालना पावर से, है ना? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, रूल क्या है इसका? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कैसे करना है इसमें?